अभी हम देखेंगे 165 सेंटीमीटर कितना फिट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, खुद से क्वेश्चन पूछो, किसको बदलना है? तो आप कहेंगे सर सेंटीमीटर को। किसमें? फिट में। अब आपको इनके बीच क्या रिलेशन है ये मालूम होना चाहिए, यानी जिस यूनिट को बदलना है उसका एक का वैल्यू, ठीक है, दूसरे यूनिट में कितना रहता है। तो ये रहता है आपका 1/3 0.48, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए इस वन की जगह, ये चाहिए 165। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को जो संख्या यहाँ चाहिए ना उससे गुणा कर देते हैं। तो 165 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 1 × 165, 165 ये सेंटीमीटर, दोनों तरफ गुणा होगा, यहाँ भी 165 आ गया, ऊपर नीचे कितना है 30.48, ये फिट है तो फिट। आप देखें क्या होगा, हम डिवाइड कर देते हैं, तो 165 / 30.48 कितना वैल्यू बन रहा है आपका, ये बन रहा है सर 5.41। 3385, हम 8 तक लेंगे, 8 के आगे क्या है 5, तो यहाँ जब 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है जहाँ स्टॉप करें तो यहाँ प्लस 1 करके लिखना पड़ेगा, 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसा है वैसा लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 8 में 1 ऐड करेंगे, 8 की जगह क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो ये आपका इस प्रकार से हमने फिट में कन्वर्ट किया। और इसके अलावा हमने इसको इंच में कैसे बदलना है फिट का, इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। तो ये क्या रहेगा, देखिए ये तो 5 फिट रहेगा, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है इसको यदि आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चला जाएगा आपका, इंच में चला जाएगा। तो वो आप स्वयं कर सकते हैं।